कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में लोगों को साफ पानी की अदम फराहमी के बायस मुश्किल का सामना है। लोगों को किन मुश्किल का सामना है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मसाइल है, यहाँ पर पानी गंदा आ रहा है और हम तो टैंकर दरवाजा लगा के तकरीबन ऑलमोस्ट थक चुके हैं यहाँ पर। और आपको पता है टैंकर भी अगर माफी है कि यहाँ पर टैंकर हासिल करना इतना मुश्किल है और पानी गटर कोविड की वजह से इतना डेंजरस है ये पानी कि हम तो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते कोविड की वजह से। तो यार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग के तवसल से, आप लोगों के चैनल के थ्रू से ये अरबाब हमारे जो है सिंध गवर्नमेंट है या जो भी इसके अंदर यहाँ पर आते हैं उनको चाहिए कि वो आके यहाँ पर हमारे हाल हजार पर कोई रहम करें और देखें हम लोग टैक्स पेयर हैं और हम बाकायदा फाइल रिटर्न करते हैं। ये तो हमारा हक बनता है इतना कि हम यहाँ बात कर सकें। बराए मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि और आप के थ्रू से कि आप लोग हमारी बात को आगे तक पहुँचाएँ। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 का रहायशी हूँ और यहाँ पर मैं 35 ईयर से रह रहा हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी पानी की लाइन के अंदर गटर का जो है ना पानी आए, और पिछले 10 डेज से या 2 वीक्स से ये गटर का पानी आ रहा है और हमने इतनी एप्लीकेशंस दी हैं, इतना कुछ हमने किया मगर कोई हमारे कुछ नहीं बोल रहे। हालांकि हम लोग जो है टैक्स भरते हैं और हमारे बिल जितने भी हैं वो सब के सब पेड हैं। और मैं बिलावल भुट्टो साहब से और यहाँ के CM साहब से, मुराद अली शाह साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी काइंडली इसको कुछ करें टेकअप, वरना अगली बारी तो फिर वही आगे, फिर अगली होगी। फिर भाई ये है जनाब, 2 हफ्ते हो गए इस बात को, गटर के पानी के लाइन में गटर का पानी मिला हुआ आ रहा है। घर में बहुत मसले हो चल रहे हैं हमारे इसकी वजह से। टैंक मिला के थक गए, कंप्लेने करी है, किसी को जवाब नहीं आया, कोई नुमाइंदा नहीं आया पूछने के लिए, बस तकलीफ में बैठे हुए हम लोग। लोगों का यही कहना था कि उन्हें साफ पानी की फराहमी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मुदस्सिर नज़र के साथ शाहजेब सुल्तान, मोमेंटिक न्यूज़ कराची।